अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांत गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। रहते हैं तो क्या कहना ही पड़ेगा, रहते हैं, रहते हुए नहीं रहते नहीं कहा जा सकता। ओफो, मौका आने पर रहते हुए को नहीं रहते और रहते को नहीं रहते कहने में क्या जाता है। दरअसल रहते इसलिए तो नहीं रहते और नहीं रहते इसलिए भी तो नहीं रहते। मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ, यूं समझो ना गले लगाया। ची ची ची। तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूँ वो 70s के दौर की एक्ट्रेस थी और उन्होंने महज 3-4 फिल्मों में काम किया था। वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी डांसर थी और बहुत अच्छी सिंगर भी थी, और उन्होंने अपनी अदाकारी और सिंप्लिसिटी से अपने दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। वो मशहूर और फेमस हीरोइंस की लिस्ट में आने ही वाली थी कि उन्होंने एक चौंका देने वाला डिसीशन लिया। क्या डिसीशन लिए ये मैं आपको आज के एपिसोड में बताने वाला हूँ, और वो एक्ट्रेस थी द सिंपल एंड प्रिटी अर्चना। दादी माँ तो बूढ़ी ही होती है, बबीता थोड़ी ही होती है। देखो, गाना सिखाने जा रहे हो, सिर्फ गाना ही सिखाना। वो लड़की गले पड़ने वाली है, गला आगे मत बढ़ा देना। अर्चना का जन्म मुंबई में हुआ एक बंगाली फैमिली में। उनके पिता का नाम था हेमेन गुप्ता और वो अपने दौर के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे और कई फिल्में डायरेक्ट की थीं, जैसे टकसाल, आनंद मठ और काबुलीवाला। हेमेन गुप्ता एक फ्रीडम फाइटर थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथियों में से थे। अर्चना की माँ का नाम था रत्ना गुप्ता और वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। अर्चना के दो बड़े भाई थे और एक छोटा भाई। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि अर्चना का असली और पूरा नाम है जयश्री गुप्ता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अर्चना ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1954 में बेबी ब्यूला के नाम से, और उस फिल्म का नाम था फेरी, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था उनके पिता हेमंत गुप्ता ने, और उसमें हीरो थे देवानंद, हीरोइन थी गीता वाली, और देवानंद के बेटे का रोल प्ले किया था मास्टर जयंता मुखर्जी ने। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मास्टर जयंता मुखर्जी अपने वक्त के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हेमंत कुमार के बेटे हैं और मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के हस्बैंड, और उस फिल्म में उनकी छोटी सी दोस्त थी बेबी ब्यूला यानी अर्चना। इस फिल्म के बाद अर्चना के पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें और उसके बाद अपने फिल्मी करियर को परस्यू करें। इसलिए अर्चना ने मुंबई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान ही उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई थी मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आत्मा राम जी की तरफ से, और हम आपको बता दें कि आत्मा राम जी मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर गुरु दत्त जी के छोटे भाई थे। अर्चना को ये ऑफर बहुत पसंद आया और उन्होंने ये फिल्म फौरन एक्सेप्ट कर ली। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सुभाष घई इस फिल्म में एक एक्टर थे। फिल्म का नाम था उमंग, जो आई थी 1970 में। क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया? हाँ आशा, हम अपने प्यारे क्लब के बाहर खुद अपने पैरों से चलकर नहीं जाएंगे। ये आप लोग गलती कर रहे हैं, भगवान के लिए क्लब छोड़ दीजिए। यही बात तुम्हारे पिताजी भी कहते हैं। ये फिल्म कामयाब नहीं रही, लेकिन अर्चना को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ। अर्चना ने एक और फिल्म साइन कर ली 1971 में, और उस फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, और अर्चना के साथ हीरो थे नवीन निश्चल। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था RD बर्मन ने और म्यूजिक सुपर डुपर हिट था,
खास तौर पे ये गाना, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। 3 महीने का किराया जो बाकी है, चलो चले। सामने ही तो जाना है, वहाँ 10:30 बजे बुलाया है। तो मुझे 10 बजे क्यों बुलाया? बुद्धू कहेंगे। फिल्म बुड्ढा मिल गया एक हटके फिल्म थी, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म के बाद अर्चना ने एक और फिल्म की 1972 में, और उस फिल्म का नाम था अनोखा दान। और इस फिल्म में उनके साथ थे राकेश पांडे, अनिल धवन और कबीर बेदी। मेरी शादी किसी दफ्तर, किसी कारखाने, मिल या कंपनी के साथ नहीं होगी। मैं ब्याह करूंगी वहां जहां मैं प्यार करती हूं, और मैं करती हूं किसी से प्यार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि अर्चना ने एक चौंका देने वाला डिसीजन लिया था, तो वो ये था कि फिल्म अनोखा दान ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी और लोगों को ये लगा था कि अब अर्चना का नाम टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होते ही अर्चना ने अपने कॉलेज के दोस्त योगेश मोटवानी से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इस खबर ने सबको चौंका दिया और 1972 के बाद अर्चना कोई भी फिल्म में नजर नहीं आई। अलबत्ता उनकी एक आखिरी फिल्म एक बंगाली फिल्म थी जो आई थी 1972 में, और उस फिल्म का नाम था पिकनिक। दोस्तों, शादी के बाद अर्चना अमेरिका शिफ्ट हो गई और अपने परिवार के साथ न्यू जर्सी में रहने लगी, और कहती हैं कि अगर मैं टॉप की हीरोइन बन जाती तो कुछ सालों बाद लोग मुझे भुला देते, क्योंकि यहाँ चढ़ते सूरज को ही सलाम किया करते हैं, लेकिन मेरा परिवार मुझे हमेशा प्यार करेगा, चाहे मैं फेमस हूँ या ना हूँ। और ये भी कहती हैं कि मेरे लिए मेरा परिवार स्वर्ग से पहले का स्वर्ग है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।